क्यों देवी नर्मदा आखिर रह गई कुमारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी नर्मदा कुमारी हैं? अगर नहीं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। नर्मदा रह गई कुंवारी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी हमें मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के तो पुत्र हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में लिखे और उनको मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गईं। इसलिए देवी नर्मदा को चिर कुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी रह गई। सबसे पहले जानते हैं नर्मदा कौन है। कथा के अनुसार नर्मदा राजा मेखल की पुत्री हैं। नर्मदा का रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिताजी राजा मेखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुल्ब काबिल के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिन के बाद सोनभद्र नामक राजकुमार राजा मेखल के पास गुल्ब काली का फूल लेकर वहां पर आया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता को वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मेखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों से राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह के कुछ दिन ही बचे हुए थे और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला से हाथ राजकुमार के लिए एक संदेश भिजवाया। लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गईं। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी हैं, और इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौट कर आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली आई। परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। यह दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस ना आई। और उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती हैं। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कल कल बहती जल में महसूस किया जा सकता है। इनकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी इकलौती नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी क्यों देवी नर्मदा रह गई कुंवारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।